है आप सभी का हमारे इस नीरू शिरसट ब्लॉग्स में। अभी हम जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए, तो देखेंगे कि मोमोज का टेस्ट कैसा है। उसके बाद हम टिटोस लैंड का जो गली है वो भी आपको दिखाएंगे कि रात के वक्त वहाँ का व्यू किस तरीके का होता है या फिर क्राउड किस तरीके के होते हैं, और जो शार्क है वहाँ पर पार्टीज किस तरीके से होते हैं नाइट में, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जो यहाँ के बार्स है टिटोस लैंड के लाइन में, वहाँ पे बार्स में पार्टियाँ किस तरीके से होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आगे आप बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आए हैं मोमोज खाने के लिए है। हम यहाँ पे चिकन मोमोज ट्राई करेंगे, तो देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। हम चिकन मोमोज खाएंगे। चिकन मोमोज ट्राई करने के बाद हम टिटोस लैंड का गली भी देखने के लिए जाएंगे कि नाइट का वक्त वहाँ पे कैसा व्यू होता है और वहाँ पे जो बार्स है वो पार्टी किस तरीके से होती है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बागा बीच के जो शार्क्स है वहाँ पे पार्टियाँ किस तरीके से होती है या वहाँ पे कैसे लोग इंजॉय करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आगे आप बने रहिए। अभी हमें सोनू बताएगा कि उसे मोमोज कैसे लगे। बहुत ही टेस्टी। सैटरडे नाइट है टिटोस लैंड का, वहाँ पे बहुत बड़ी ट्रैफिक लाइन लगी हुई है। ट्रैफिक जाम लगा है भाई, अब कैसे जाएंगे पता नहीं आगे क्या हुआ है। बहुत ज़्यादा क्राउड है आज आफ्टर लॉकडाउन, शायद अभी आज मुझे लग रहा है अभी आफ्टर लॉकडाउन आज के दिन ही ज़्यादा क्राउड है ना, क्योंकि हमने इसके पहले बहुत सारा सर्च किया हुआ था तो इतना क्राउड नहीं था। तो जब हम यहाँ पे आए हैं आज तो हमारा फर्स्ट डे है तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। यार सच में हम लोग चाहते थे कि यहाँ पे हम जब भी आए तब वैसा ही क्राउड हो, मतलब जब हम लास्ट ईयर आए थे ना तो उसी तरीके का हमें क्राउड चाहिए था, क्योंकि हमने बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे और न्यूज़ में भी देखा था कि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था, पर हमने इतनी भीड़ नहीं मांगी थी यार। हम तो बस चाहते थे कि कुछ लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे इतनी सारी भीड़ आ गई है कि ट्रैफिक जाम हो चुका है।
सैटरडे है तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, बहुत ही मतलब बहुत ही हद से ज़्यादा क्राउड है। अभी टाइम हो चुका है, रात के 12 बज चुके हैं और यहाँ का माहौल देख लीजिए आप, इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्रैफिक लगा हुआ है यार। सच्ची हमें लगा था कोई नहीं होगा, पर उससे कुछ अलग ही हो गया। मतलब इतना ज़्यादा क्राउड आ गया और हम सोच रहे थे कि अपन चले जाएंगे वहाँ पे और कोई भी नहीं रहेगा, या फिर नाइट आउट के बाहर जो रहते हैं वो भी सारे बंद होंगे शायद, हमें तो यही लग रहा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं। इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे कि मतलब ट्रैफिक जाम हो चुका है।
की बात है।